छठ पूजा का चौथा दिन है आज, यानी कि अंतिम दिन। आज प्रातः काल में सूर्योदय के साथ ही उषा काल का अर्घ दिया जाता है। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करने के बाद व्रती प्रसाद खाकर पारण करती है। उसके साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को छठ पूजा के उषा काल का अर्घ दिया जाता है और पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। छठ पूजा में अस्ताचल सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को तो सभी अर्घ देते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि सायंकाल में सूर्य देव अपनी पत्नी देवी प्रत्युषा के साथ समय व्यतीत करते हैं, इसी कारण शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। वहीं साथ साथ देवी प्रत्युषा की भी उपासना की जाती है, लेकिन क्या आप में से कोई लोग जानते हैं कि उगते हुए सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है? दरअसल छठ पूजा हिंदू धर्म में महापर्व माना गया है। ऐसे में चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का अंतिम दिन यानी आज छठ पूजा के दिन सूर्य देवता के उगते हुए रूप की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता ये है कि यदि आज के दिन कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से यानी कोई भी परवैती आज के दिन अगर सच्चे मन से भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करती हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं सूर्य देवता अवश्य पूर्ण करते हैं।